तन्वी दास हमारे साथ मौजूद हैं। तन्वी, क्या वाकई ये माहौल बनाने की कोशिश है? क्योंकि अभी जो माहौल नजर आ रहा है बंगाल की सियासत में, हम लगातार देख रहे हैं 10 साल से जो पार्टी सत्ता में है उसका दामन छोड़कर बड़े बड़े नेता टीएमसी से रुख कर रहे हैं बीजेपी का। क्या इसकी काट के तौर पर यह बयान दिया गया है, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई? देखो, देखिए, माहौल बनाने की कोशिश की जरूरत ही नहीं है। कुछ दिन पहले सुजाता मंडल बीजेपी से टीएमसी में आए थे और उसने ये बोला कि बीजेपी में इस लोगों को ये बोल के भड़का के लिया जा रहा है कि आपको सीएम बनाएगा। अभी तक कोई सीएम फेस तो है नहीं, कोई 51 लोगों को एक साथ तो सीएम नहीं बना सकते ना बीजेपी। तो फिर जब उसका सपना भंग हो रहा है, वो अपना मतलब औधा समझ रहा है कि कहां है उसका औकात, क्या है उसको औकात दिखाया जा रहा है और फिर वो वापस आने का रुख करेगा। ये तो बहुत ही सिंपल मामला है। जो सुजाता मंडल, इशारा आपका शुभेंदु अधिकारी की तरफ है क्या? बाहर लाके सामने कर दिया है कि सबको। अब शुभेंदु क्यों, बहुत सारा ऐसा नेता है, मतलब बीजेपी का कोई सीएम फेस ममता बनर्जी के अगेंस्ट नहीं खड़ा किया जा रहा है। ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व भी बीजेपी नहीं करना चाहते। ये प्रॉब्लम को, क्योंकि सब कोई मतलब ऐसे ही, मतलब जैसे कोई गाजर सामने झुलाया जाता है ना कि देखो गाजर और मतलब अपना रन जड़ी रखो, तो वैसे ही कर रहा है सब नेता। नहीं तन्वी, लेकिन ये बताइए ना, ममता सरकार में मंत्री हैं ज्योतिप्रिय मलिक, वो कह रहे हैं 5 से 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी के वो टीएमसी से संपर्क में हैं। ये कौन लोग हैं? क्या पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? ये हो सकता है। कौन लोग हैं? मैं पार्टी का तो मैं मेंबर नहीं हूं, तो फिर मैं, ये हो सकता है क्योंकि सभी का सपना भंग हो रहा है, तो फिर जो भी पद के लिए जा रहे थे उसको पता चल गया है कि बीजेपी ऐसा धांसा लेके नहीं, पद के लिए जाने वालों की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं है बीजेपी वही भाई, ये तो 5 से 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि आपको पता है ना 2019 में 18 सीटें हासिल की थी। हो सकता है, वो भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने, तो बीजेपी के सांसद टीएमसी में क्यों आएंगे? देखिए, नए और पुराने में, बीजेपी का नए और पुराने में जो संसद है, वे फिर नेता है, उनमें भी मतलब घमासान जारी है। घमासान जारी है कि एक मिनट, थोड़ा फैक्ट्स के आधार पर हम बात करें ना तन्वी, आराम से। जो टीएमसी से जा रहा है, 2019 में अभी लोकसभा चुनाव हुए, 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, आप कह रहे हैं 5 से 6 बीजेपी के सांसद हमारे संपर्क में है, तो वो सांसद जिनका पूरा कार्यकाल बचा है, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं, संसद पहुंचे हैं, वो आपकी पार्टी में आ जाएंगे विधानसभा चुनावों से पहले? क्या आधार है इसका? क्या पता हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? ये तो बीजेपी के रहने वाले लोग बताएंगे, क्योंकि एक एक सभा में जाके ये नए वाले बीजेपी और पुराने वाले बीजेपी में तो घमासान जारी है। हम लोग तो मीडिया पे, आप लोग दिखा रहे हैं, हम लोग दिख रहे हैं कि एक एक सभा में जाके बहुत बवाल हो रहा है, मार पिटाई हो रहा है पुराने मेंबर्स और नए मेंबर्स के बीच। जो टीएमसी से आए हैं वो उसको पोजीशन दिया जा रहा है, और जो पुराने बीजेपी है उसको कहीं पीछे कर दिया जा रहा है, तो ये तो घमासान जारी है, ये होगा ही। ठीक है, अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ देखिए कोलकाता से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अभिषेक, ये राजनीतिक बयानबाजी, खालिस राजनीतिक बयानबाजी हम इसे माने, या इस बयान के पीछे ज्योतिप्रिय मलिक जो कह रहे हैं कि 5 से 6 सांसद हमारे संपर्क में हैं बीजेपी के, इसका कुछ आधार भी है, वजूद भी है? देखिए, दो चीजें हो रही है यहां पर इस समय पब्लिक के बीच में। दोनों ओर से इस बात की लड़ाई है, बीजेपी की ओर से भी और टीएमसी के बीच भी इस बात की लड़ाई है कि पब्लिक में मैसेज क्या जाना चाहिए। मैसेज ये जाना चाहिए कि हम मजबूत हैं, जो मजबूत होगा उसी की ओर लोग अट्रैक्ट होंगे। अभी तक जो सिलसिला चल रहा है उसमें टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो अब ये टीएमसी की ओर से इसको रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। भले ही उधर से आए या ना आए, लेकिन ये मैसेज कार्डर तक जाना चाहिए कि हम मजबूत हैं, हमारी ओर लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जमीन पे लड़ाई नहीं है, ये साइकोलॉजिकल लड़ाई भी है, ये लड़ाई अपने कार्डर का हौसला बढ़ाने की भी लड़ाई है। तो इस सारी कवायद को आप उसी पर्सपेक्टिव में देखें, और उसी पर्सपेक्टिव में ये चीजें दोनों ओर से चल रही हैं। ठीक है समीर, अजमल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। खान साहब, परसेप्शन की लड़ाई में हारता कौन जीतता कौन नजर आ रहा है आपको, क्योंकि आप पहुंच गए हैं वहां पर बंगाल में चुनाव लड़ने, और इससे यह कहा जा रहा है कि भाई एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा, दीदी के वोट कटेंगे। देखिए, हम तो अपना चुनाव लड़ने गए हैं और हम वहां पहली बार जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो हम इस तरह के इल्जाम हमारे ऊपर लगते हैं,
जी। कि हम महाराष्ट्र में आज से 5 साल पहले इलेक्शन लड़े, 2 सीट जीते, बीजेपी और शिवसेना दो हिंदुत्ववादी पार्टियां वहां गठबंधन में थी, दोबारा लड़े, 2 सीट जीते और वहां झगड़ा हो गया, गठबंधन टूट गया और सेकुलर कांग्रेस, सेकुलर एनसीपी, हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना के साथ चली गई। अब इसका भी क्रेडिट लोगों को हमें दे देना चाहिए कि हमने वहां तोड़ दिया, भाई हम तो 2 ही सीट जीते ना। अभी हम बंगाल पहुंचे हैं और लोग तरह तरह के हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो एक चीज तय है कि लोगों को हमारी ताकत का एहसास हो रहा है, बाकी रिजल्ट बताएगा। तो आपके आप किस तरह से एनालाइज करते हैं अभी, आप अपने आप को बीजेपी और टीएमसी के बीच कहां खड़ा पाते हैं और किसके ज्यादा नजदीक पाते हैं? हम अभी अभी हमारे लिए ये कहना बहुत प्रीमेच्योर है। हमारी लड़ाई वहां पर लोगों के उत्थान के लिए, उन लोगों को जिनको सच्चर कमेटी ने कहा कि इनका शैक्षिक सामाजिक स्तर, इकोनॉमिक स्तर दलितों से भी बदतर है, उनकी लड़ाई के लिए हम वहां पहुंचे हैं। और ये पहली बार, असल में दिक्कत क्या है, जो इल्जाम लगाया जाता है वो ये है कि मुसलमान इधर जा रहा है, मुसलमान उधर जा रहा है, मुसलमान कांग्रेस के पीछे खड़ा है तो बहुत अच्छा है, कम्युनिस्ट के पीछे खड़ा है तो बहुत अच्छा है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जो थे AIMIM के, वो तो खुद ही टीएमसी में शामिल हो गए। देखिए वो गलत खबर है, उसका पूरा खंडन किया है माजिद हुसैन, उसका पूरा खंडन किया है माजिद हुसैन साहब ने, जो वहाँ के इंचार्ज है, वो हमारे यहाँ मेंबर भी नहीं थे। कोई क्लेम करे और कह के चला जाए तो वो दूसरी बात। दूसरी बात ये कि इलेक्शन का दौर है, यहाँ बहुत सारे लोग इधर उधर जाएंगे अपने जाति फायदे के लिए, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। बीजेपी और शिवसेना अलग अलग हो गए। और अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।